हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, आप सभी को बता दें कि बिहार फार्मेसी काउंसिल का गठन अभी तक बिहार में नहीं हुआ है, जबकि इसके सदस्यों का चुनाव हो चुका है। इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है और इससे संबंधित कुछ न्यूज़ जो है जो कि न्यूज़पेपर में दिया गया है, वो जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी जानकारी आप लोगों को मिल सके। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें बिना देरी के। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूज़ जो है प्रभात खबर का पेपर का कट है, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट करते हैं कि जो ये न्यूज़ है फेक न्यूज़ है, जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग हम पूरा क्लियर से बता देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, पटना का न्यूज़पेपर लीजिएगा, ठीक है। पटना का न्यूज़पेपर 2 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 2 अप्रैल 2024 का न्यूज़पेपर लीजिएगा, उसमें ये न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा से आप लोग देखेंगे उसमें न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया, बिहार फार्मेसी काउंसिल का गठन नहीं हुआ, 12,000 रजिस्ट्रेशन अटका है। यानी कि 12,000 स्टूडेंट जो पास आउट हैं, डी फार्मा बी फार्मा कोर्स कर चुके हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन नहीं होने से तो आप लोगों को पता है कि क्या परेशानी है, कि आप लोग कोई भी काम कर ही नहीं सकते, ना ही किसी जॉब वैकेंसी आती है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ना ही आप खुद का रोजगार भी कर सकते हैं, जैसे कि फार्मेसी मेडिसिन दुकान भी नहीं ओपन कर सकते हैं। ये सारी परेशानियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे संबंधित बहुत से चीज़ें दी गई है जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे दिया गया, बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल का गठन अभी तक नहीं हुआ है, काउंसिल के सदस्यों का चुनाव 16 महीने पहले हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, सदस्य का चुनाव हो चुका है कि कौन कौन से सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, मगर यहाँ पे ये नहीं हुआ कि काउंसिल का गठन ही नहीं किया गया कि जहाँ पे बैठ के ये सदस्य काम करें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि निर्वाचित सदस्य काउंसिल के गठन का इंतजार कर रहे हैं। काउंसिल के गठन नहीं होने का परिणाम यह है कि बिहार में लगभग 12,000 फार्मेसी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन पिछले 2 साल से नहीं हो सका है। तो 2 साल से बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। और यहीं पे अभी हाल ही में देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा फार्मेसी 1539 सीटों को बाहरी निकाला गया था, फिर उसको बाद रद्द कर दिया गया। उसमें भी रजिस्ट्रेशन, बिहार का रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा था, उसमें भी बहुत से बच्चों को परेशानी हो रहा था फॉर्म को फिलअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो उस समय भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किए हुए थे, सारा चीज़ की जानकारी दिए हुए थे, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी सारी जानकारी दी गई है। तो ये सारी परेशानी, एक तो आपकी बहाली भी नहीं आती है और यहाँ पे आप लोग का क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है काउंसिल नहीं होने के कारण से, और आप लोग की जो शिक्षा गुणवत्ता है वो भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। काउंसिल होने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं जो कि आप सभी को ऑलरेडी जानकारी है। फार्मेसी पास छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। बिना फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का ना कोई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और ना ही स्वरोजगार कर सकते हैं, ये बात अभी आप लोगों को पता है। उसके बाद है कि बिहार में फार्मेसी पास अधिकतर छात्र छात्राएं बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के बाद विभाग द्वारा छात्रों से पैसा वापसी के लेकर बार बार नोटिस मिल रहा है। स्थिति यहां तक आ गई है कि कुछ छात्रों का पैसा नहीं देने के कारण डिग्री जमा करने की भी नोटिस भेजी गई है। अब देखिए परेशानी क्या है कि जो बच्चे लोन लेकर, यानी कि बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पैसा लिए हैं और कोर्स फाइनल हो चुका है, और उसमें नियम है कि 1 साल के बाद आप लोगों को पैसा जमा करना है। तो जब 1 साल हो चुका है, अब वो जब ही नहीं उनका मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, ना ही कोई काम कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से जमा करेंगे। तो इसके नौबत पर केस हो रहा है बच्चों का, उनका डिग्री भी छीना जा रहा है। तो ये सारी परेशानी है यहाँ पे। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्यों सरकार इन सभी पर अनकानी कर रही है, काम समय पर नहीं कर रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल का भी वही हाल है। अन्य यहाँ पे स्टेटों में देखेंगे तो सारा स्टेट में काउंसिल का गठन भी हो चुका है, वहाँ पे वैकेंसी भी आ रही है, सही से काम भी किया जा रहा है, जबकि बिहार में ना पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया जा रहा है, ना फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जा रहा है। सिर्फ डॉक्टर्स के लोग को फॉलो किया जा रहा है, डॉक्टर के लिए काम किया जा रहा है, बड़े बड़े सिर्फ हॉस्पिटल खोल दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ डॉक्टर को कहीं से शिफ्ट करके रख दिया जा रहा है और नर्स को। इसके बाद जो भी है स्टाफ होते हैं, जो कि बोला जाता है कि पैरामेडिकल स्टूडेंट में ही आपका फार्मेसी भी आता है, तो इसमें तो
ये सारे जो हैं क्या होते हैं, ऋण होते हैं। फिर भी ऋण होने के बावजूद क्या है, हम लोग में जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं उन लोगों में एकता नहीं है। एकता की कमी क्या है कि लोग क्या है कि कम पैसे पर काम कर रहे हैं, और पैसे कम जब सरकार को, जैसे कि मान लीजिए कि जो 10,000 किसी को परमानेंट रखते हैं तो 40,000 सैलरी देनी होंगी, और वही काम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आउटसोर्सिंग से 8 से 10 हज़ार पर लोग को खटाया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी कमी है, और यहाँ पे एकता भी कमी है कि जिस एकता की वजह से कोई भी काम आप लोगों का सही से ढंग से नहीं हो रहा है। तो जो भी है आप लोग बच्चे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, जब कोई मांग हो तो वहाँ पे ज़रूर आप लोग आए, क्योंकि उससे फ़ायदा सिर्फ गवर्नमेंट वाले बच्चों को नहीं होता है, प्राइवेट वाले बच्चों को भी होता है। तो अपने मांग और अधिकार को रखें सरकार के सामने, एकजुटता के साथ दिखाएं, जिससे कि सरकार को भी लगे कि हाँ इसका काम करना चाहिए। जब संख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ पर आप लोग मांग अपना रखेंगे शांतिपूर्वक, तो आप लोग का भी मांग भी पूरा किया। तो मेन है कि आप लोग एकता रखें, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आप सभी मिलकर जो भी आपकी मांग है कि जिससे कि आपका भविष्य बेहतर हो सके उसको जरूर कर रखें, चाहे पैरामेडिकल स्टूडेंट हो चाहे फार्मेसी स्टूडेंट हो, सभी को, क्योंकि आप ही लोग ऋण है, और आप ही लोग एकता में नहीं रहेंगे, आप ही लोग कम सैलरी पर काम करना शुरू कर देंगे तो बहाली भी नहीं आएगी और आप लोग का भविष्य भी बहुत ही अंधकारम होते चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेन है एकता दिखाएं और सभी चीज़ों को मांग करें। तो फ्रेंड जो भी मुझे जानकारी था यहाँ पे न्यूज़ में जो भी बातें दी गई थी आप लोगों को बता दिया, और मुझसे जो भी जानकारी था बताने की कोशिश की है, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।